हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 47 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सेंट्रोमास है उसको आज ऑलमोस्ट अपन फिनिश कर देंगे, या हो सकता है अपन इसको फिनिश ही कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपन सबसे पहले डिस्कस कर देंगे सेंट्रोमास की गति, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति। तो ध्यान से देखना, देखो द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति ध्यान से देखना, देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होती है आपके पास में। आरसीएम वेक्टर बराबर एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन वेक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 एम एन। अब यदि अपन इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो द्रव्यमान केंद्र का वेग आ जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या देगा आपके पास में, वी सी एम वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास में, डी आर अपॉन डी टी बराबर। अब यदि इसका अपन क्या कर दिया, समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, एम आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन वेक्टर, ठीक है। अब देखो एम वन का तो क्या देगा आपके पास, एम वन आर वन का अवकलन कर देंगे तो ये आपके पास में क्या देगा, वी वन प्लस एम टू वी टू और प्लस डॉट 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 एम एन वी एन अपॉन क्या देगा आपके पास, एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 एम एन। और यदि अपन इसका वीसीएम का अवकलन कर दिया तो आपके पास एसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एम वन वी वन का क्या देगा आपके पास, ए वन ए टू ये बात बन गई भी। अब यहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, m नेट लिख सकते हैं या मास ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं। यदि इसको अपन इधर की तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देवदान से इसको अगर अपन इधर की तरफ ले जाते हैं तो आपके पास बन जाएगा pcm बराबर क्या होता है आपके पास में, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिस्टम, वीसीएम वेक्टर बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस डॉट 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 एम एन वी वन। तो अगर अपने पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, डॉट 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 एनवे पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स का संवेग अगर अपन ने जोड़ दिया तो आपको द्रव्यमान केंद्र, यानी या ऐसा बोल सकते हैं कि उस निकाय का संवेग आपको प्राप्त हो जाएगा, या उस निकाय के सेंट्रोमास का संवेग है वो आपको मालूम हो जाएगा भी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल m यानी मास ऑफ सिस्टम, इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, fcm बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, m into acm बराबर क्या होता है आपके पास, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस डॉट 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 एम एन ए एन हो जाएगा। ये बात हो गई भी, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एफ सी एम वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद में गति का जो दूसरा, मतलब गति की समीकरण भी आप सेंट्रोमास के लिए अपन लगा सकते हैं। क्या होता है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, वी सी एम लिख दो बराबर यू सी एम प्लस ए सी एम इंटू टी, और इसके बाद दूसरा क्या होता है आपके पास में, ए सी एम बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना।
इसके बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण बन गया, चौथा समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में एक अपन ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर सेंट्रोमास के लिए लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीटी। तो यदि किसी भी निकाय पर बाह्य बल आरोपित किया जाए तो इस स्थिति में उसके द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग परिवर्तित होता है और बाह्य बल का परिमाण रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सेंट्रोमास होता है ना, उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं यदि एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा आपके पास है जीरो, तो इस स्थिति में डीपीसीएम बराबर क्या देगा आपके पास है जीरो। डीपी क्या होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना देगा आपके पास है जीरो, इसका मतलब संवेग क्या देगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं पीसीएम वेक्टर बराबर कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा आपके पास है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसको अपन लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये बात होगी भी। तो पीसीएम वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास कांस्टेंट, इसको अपन बोलेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी निकाय पर बाह्य बल का मान कितना भी जीरो है, यानी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो इस स्थिति में उस निकाय का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, ठीक है ना। यानी उसके सेंट्रोमास का जो रेखीय संवेग है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज है भी। इसके बाद में अपन इसके कई सारे एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे इसके अंदर। तो ये आपके पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में पार्टिकल है M1, ये आपके पास में पार्टिकल है M2, प्रारंभ में दोनों मान के चलिएगा रेस्ट में, यानी V1 भी कितना भी जीरो और V2 भी कितना आपके पास में जीरो है, ठीक है ना। तो पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल दोनों का प्रारंभिक वेग कितना भी जीरो है, तो V1 और V2 अगर जीरो हो गया तो VCM भी कितना देगा आपके पास में जीरो देगा, क्योंकि VCM बराबर क्या होता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो VCM वेक्टर वो भी कितना देगा जीरो देगा, ठीक है ना। अब दोनों पार्टिकल्स है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यानी पारस्परिक आकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की तरफ गति स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ देर बाद में है ना इसका जो वेग है वो तो कितना देता है आपके पास में V1, और इसके बाद इसका इधर की तरफ जो वेग है वो कितना हो जाता है आपके पास में V2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो VCM है वो कितना हो जाता है जीरो रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो M1 है इस पे फोर्स कौन लगाता है M2, और M2 पे फोर्स कौन लगाता है M1 लगाता है। यानी M1 और M2 इन दोनों की जो गति है वो पारस्परिक आकर्षण बल की वजह से हो रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो रही है। यहाँ पर सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस स्थिति में पूरे निकाय का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी सेंट्रोमास का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। यानी सेंट्रोमास पहले भी रेस्ट में था तो सेंट्रोमास अब भी रेस्ट में रहेगा, यानी सेंट्रोमास का VCM है वो कितना हो जाएगा आपके पास में जीरो, ठीक है ना। ये भी इसका एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में भूल जाओगे आप अगर नहीं लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास में पारस्परिक आकर्षण के कारण गति। तो पारस्परिक आकर्षण के कारण गति हो जाएगी, तो VCM कितना देगा आपके पास में जीरो देगा भी। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन देवदान से। नेक्स्ट देखिएगा, देखो आपके पास में कोई भी निकाय है, निकाय की जो गतिज ऊर्जा है, निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है जैसे ये आपके पास में कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक बॉडी है, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सेंट्रोमास हो जाएगा, ये धरातल हो गया है ना।
और दरातल से इसकी जो हाइट है ना सेंट्रोमास की, इसको हम बोलेंगे एच सी एम बोलेंगे। इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कितना होता है आपके पास, एम जी हाइट ऑफ सेंट्रोमास हो जाएगा। इस पिंड की जो अलग अलग कण है उनकी दरातल से जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, ठीक है ना, बट अगर आप सबकी पोटेंशियल एनर्जी का योग कर दोगे तो एम जी इंटू एच सी एम आ जाएगा भी, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें और फिर उसके बाद इनको अपन अप्लाई करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अपन दो। देखो यहाँ पर सेंट्रोमास के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास में कोई भी एक पिंड है इसका द्रव्यमान कितना है 2m है, और ये आपके पास में दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान कितना भी m है। यहाँ पर इसको तो अपन क्या करते हैं u बराबर 0 से इसको अपन रिलीज करते हैं, और यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ u बराबर 30 से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने भी 90 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि सेंट्रोमास उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी भी। तो सबसे पहले अपन पता करते हैं, दोनों से अपन बात करते हैं यू सी एम बराबर एम वन यू वन प्लस क्या होता है आपके पास एम टू यू टू अपॉन क्या होता है आपके पास एम वन प्लस एम टू। तो यहां से आपके पास है यू सी एम बराबर एम वन यू वन, तो एम वन कितना देगा आपके पास है 2m इंटू 30 एम टू यू टू, तो एम टू कितना देगा आपके पास है एम, यू टू कितना देगा आपके पास है 0 अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो ये कितना देगा आपके पास है 2m प्लस एम। तो यहां से आपके पास है यू सी एम बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है देवनाथ से 30 इंटू 2m कितना देगा 60m, और 60m बटे कितना देगा 3m हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से 60 बटे 3 कितना देगा आपके पास है 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद है सेंट्रोमास उसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है भी। तो इसकी पोजीशन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, अपन निकालते हैं एच सी एम बराबर क्या होता है एम वन कितना देगा 2m, एच वन कितना देगा आपके पास में भाई ये तो ग्राउंड पर रखा हुआ ना तो 0 प्लस एम टू कितना देगा आपके पास m, और इसकी हाइट कितनी देगी आपके पास में 90 अपॉन ये आपके पास में कितना देगा 2m प्लस m, तो यहां से आपके पास एच सी एम बराबर कितना देगा 90m अपॉन कितना देगा आपके पास है 3m, तो m से m को काट देंगे तो 90 बाय 3 कितना देगा आपके पास है 30, तो इसको अपन बोलेंगे 30 मीटर हो जाएगा। यानी सिस्टम का जो सेंट्रोमास है वो कहां पर हो जाएगा 30 मीटर की हाइट पर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी एसीएम की बात करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा एसीएम बराबर एम वन कितना देगा आपके पास में 2m, और इसका एक्सेलरेशन कितना देगा ऑब्वियसली माइनस का जीरो देगा, और प्लस एम टू कितना देगा आपके पास m, इसका एक्सेलरेशन भी कितना देगा माइनस का जीरो देगा अपॉन एम वन कितना देगा आपके पास में 2m प्लस एम टू कितना देगा m हो देगा। तो यहाँ पे इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं कितना देगा माइनस का 2mg माइनस का कितना देगा आपके पास में mg माइनस का 3mg अपॉन 3m, तो माइनस का जी बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का जी। ये तो आपके पास में यूसीएम आ गया, ये तो आपके पास में यूसीएम आ गया, ये आपके पास एचसीएम आ गया, और ये आपके पास एचसीएम आ गया। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि एचसीएम बराबर कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रोमास हो जाएगा भाई, यहाँ पे सेंट्रोमास, तो इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब देखो बेटा सेंट्रोमास का मतलब क्या होता है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना भी 2m, और इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा m, तो सिस्टम का टोटल मास कितना देगा 2m प्लस m बराबर 3m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3m। तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि 3m द्रव्यमान का कोई भी पिंड है जो कि यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना, 3m का हो गया, ये 3m हो गया, और इसकी यहां से जो हाइट है ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये अपन निकाल देंगे 30 सेंटीमीटर और यूसीएम बराबर कितना भी 20 है, तो इसको अपन ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो आप तो यहां पे m और 2m इन दोनों को भूल जाओ, आप तो ये समझ सकते हैं यहां पे कि आपके पास है 3m द्रव्यमान का कोई भी एक पिंड है जो कि धरातल से 30 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ 20 से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी किसी बिल्डिंग के टॉप से अपन ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो इसकी जो ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली ऊंचाई अपन निकाल सकते हैं,
तो अपन निकाल सकते हैं कि h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में यू सी एम का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में 2g। ये तो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं। तो यू सी एम कितना देगा 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 2g कितना हो जाएगा आपके पास में 20। तो 400/20 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20 मीटर हो जाएगा। कितना देगा 20 मीटर। अब आपको बोला जा रहा है कि सेंट्रोमास के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, तो यहां से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 30 पहले से है, तो यहां से आपके पास एच एच सी एम एक्स, तो 30 तो पहले से था और 20 और हो जाएगा, तो 30 + 20 बराबर कितना देगा 50 मीटर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं। आपके पास है कोई भी एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को खींच करके छोड़ा जाता है, जब 2 kg का वेग कितना भाई 6 m/s, तो 3 kg का वेग कितना हो जाएगा भाई। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग को अपन इस प्रकार से यूं खींच करके छोड़ दिया। जैसे अपन क्या करते हैं स्प्रिंग को छोड़ते हैं, तो छोड़ते ही ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स है उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, भाई छोड़ती है छोड़ दिया अपन ने, तो छोड़ने के तुरंत पश्चात यहाँ पे u1 = u2 = कितना हो जाएगा आपके पास है 0, तो यहाँ से आपके पास है UCM = भी कितना हो जाएगा 0 देगा। अब यहाँ पे इस पे फोर्स कौन लगाती है भी, स्प्रिंग फोर्स लगाती है, और इस पे भी फोर्स कौन लगाती है, स्प्रिंग फोर्स लगाती है, और स्प्रिंग का फोर्स है वो सिस्टम का फोर्स हो गया यानी आंतरिक बल हो गया, बाहर से अपन कोई बल लेके नहीं आ रहे, तो इस स्थिति में प्रारंभिक वेग है वो सेंट्रोमास का वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में 0, तो अपन बोलेंगे कि VCM = कितना हो जाएगा आपके पास में 0 देगा। तो अपन जानते हैं कि VCM = क्या होता है M1V1, तो M1 कितना देगा 2 और V1 कितना देगा आपके पास में +6, और M2 कितना देगा आपके पास है 3 और V2 कितना देगा आपके पास है -V, अपॉन M1 + M2 कितना देगा आपके पास है 2 + 3 और VCM = कितना देगा 0, तो 6 × 2 कितना देगा 12, -3V उधर जाकर के +3V बन जाएगा, तो यहाँ से V = कितना देगा 4 m/s, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है, इन दोनों को आप अच्छे से नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए इसके बाद में सेंट्रोमास की गति से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन समझते हैं अपन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं कि ये आपके पास में कोई भी एक चिकना धरातल है, ठीक है ना, यानी इसको अपन बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस, मतलब इसका म्यू बराबर कितना देगा 0 देगा, और इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी एक प्लैंक रखा हुआ है लकड़ी का मान लो, ठीक है ना, और ये जो प्लैंक है ना इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास में बताओ 20 kg, और इसकी लंबाई कितना देगा आपके पास है 10 मीटर। अब यहां पे कोई भी एक लड़का है, ये यहां पे कोई भी एक लड़का है जो कि इधर की तरफ खड़ा था, और इस लड़के का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा मान के चलेगा 60 kg हो जाएगा, कितना देगा 60 kg, और ये लड़का यहां से चल करके इस इधर की तरफ चलना स्टार्ट करता है और इस दूसरे वाले सिरे तक पहुंच जाता है भी। पहले लड़का यहां पर रेस्ट में था और यहां से चलते चलते कहां पे पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है, तो लड़का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्लैंक का विस्थापन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है कि लड़का दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है तो प्लैंक का विस्थापन क्या हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका समझते हैं अपन, बात सुनना भी। देखो यहां पर आपके पास स्मूथ सरफेस है, इसका म्यू कितना है भी 0 है, यानी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल यहां पे लगने वाला नहीं है।
और घर्षण बल लगने वाला नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम पर किसी भी प्रकार का क्षैतिज दिशा में नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। और यदि क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में सेंट्रोमास उसका क्षैतिज विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो देगा। और क्षैतिज विस्थापन अगर जीरो देगा तो कैसे हो सकता है भाई, ये लड़का है वो अगर इधर की तरफ जाएगा तो द्रव्यमान अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली सेंट्रोमास भी इधर की तरफ शिफ्ट होगा, बट सेंट्रोमास को आपको शिफ्ट करना नहीं है तो इसके लिए प्लैंक है उसको आपको किधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, उल्टा पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्लैंक है वो प्लैंक है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा मान के चलेगा एक्स शिफ्ट हो जाएगा। अब लड़का है, लड़का आगे की तरफ कितना चला जाता है बताओ, 10। भाई लड़का यहाँ से चल करके प्लैंक पे पहुँच गया कितना, भी 10, बट प्लैंक वो वापस पीछे की तरफ कितना आ गया, एक्स आ गया। तो लड़के का धरातल के सापेक्ष विस्थापन है वो कितना हो जाएगा बताओ, 10 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा आपके पास है, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अभी इधर की तरफ कौन जा रहा है, लड़का, इसका एम एक्स, और इधर की तरफ कौन आ रहा है, प्लैंक, इसका एम एक्स आपको बराबर करना है। तो लड़के का एम कितना देगा बताओ, 60, और लड़के का विस्थापन कितना देगा बताओ, 10 माइनस एक्स बराबर, प्लैंक का द्रव्यमान कितना देगा 20, इसका एक्स कितना देगा बताओ एक्स, इसके बाद में 60 20, तो ये तीन बार 3 × 10 कितना देगा आपके पास है 30, माइनस कितना देगा आपके पास है 3x बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, एक्स ही आ गया ना एक्स, तो यहाँ से आपके पास है 4x बराबर कितना देगा 30, तो x बराबर कितना देगा आपके पास है 30/4 15/2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 7.5 मीटर हो जाएगा। ये बात होगी भी ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला अगर आपने ढंग से समझ लिया तो वो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा ठीक है ना। तो चलो समझते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन है कि दोनों लड़के, दो लड़के लेंगे अब की बात, दोनों लड़के अपनी स्थितियां आपस में बदल लेते हैं तो प्लैंक का विस्थापन, क्वेश्चन ऐसा ध्यान से देखना, देखो ये वही आपके पास में कोई स्मूथ सरफेस है ठीक है ना, इसका म्यू बराबर कितना देगा आपके पास है 0, ये वही ऐसा ही इसके ऊपर कोई प्लैंक रखा हुआ है और इस प्लैंक का जो द्रव्यमान है वो तो कितना देगा आपके पास है 20 kg, इसकी लंबाई कितना देगा आपके पास है 10 मीटर मान लो। इधर की तरफ कोई लड़का खड़ा है एक, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये कोई लड़का खड़ा है इधर की तरफ, ये इस प्रकार से इधर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर ये वाला जो लड़का है इसका द्रव्यमान कितना देगा भी, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 40 kg, और इस वाले लड़के का द्रव्यमान कितना देगा भी, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 80 kg। तो 40 kg वाला तो जाता है 80 kg वाले की जगह और 80 kg वाला आ जाता है 40 kg वाले की जगह ठीक है ना। अब यहां पर कुल मिलाकर की कितनी चीजें गति कर रही है, 40 kg वाला लड़का गति कर रहा है, 80 kg वाला लड़का गति कर रहा है, और साथ में ये प्लैंक है इसको भी गति करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लैंक की गति इस प्रकार से होगी ताकि सेंट्रोमास उसकी गति नहीं हो, सेंट्रोमास का जो विस्थापन है वो आपको जीरो करना है भी। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको देखना है कि प्लैंक वो दाएं चलेगा या बाएं चलेगा, 40 तो जा रहा है इधर, 80 आ रहा है इधर, तो ज्यादा द्रव्यमान इधर की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा द्रव्यमान अगर इधर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रोमास की इधर की तरफ शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्लैंक उसको उधर की तरफ शिफ्ट करवा देंगे अपन ठीक है ना। तो प्लैंक की शिफ्टिंग अपन इधर की तरफ करवा देंगे, तो प्लैंक का विस्थापन कितना देगा आपके पास है, एक्स हो जाएगा। अब बेटा लड़का यहाँ से, ये वाला लड़का यहाँ से चल करके यहाँ तक जाता है कितना, 10, और ये प्लैंक इसको आगे की तरफ एक्स ले जाता है, इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है, 10 + x हो जाएगा।
और यहां पर ये वाला जो लड़का है ये यहां से यहां तक आता है कितना भी 10, और ये प्लैंक वापस इसको पीछे की तरफ ले जाता है कितना भी x, इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है 10 माइनस एक्स देगा। अब दाएं की तरफ जाने वाला एम एक्स और बाएं जाने वाला एम एक्स दोनों आपको बराबर करने हैं, तो सबसे पहले देखो उधर की तरफ कौन जा रहा है अभी, उधर की तरफ जा रहा है केवल, उधर की तरफ कौन जा रहा है अभी, उधर की तरफ ये लड़का जा रहा है और ये प्लैंक जा रहा है, तो लड़के का एम एक्स कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना देगा आपके पास है 10 प्लस एक्स, और इसके बाद में प्लैंक, प्लैंक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 20 इंटू कितना देगा आपके पास एक्स, तो 20x हो गया बराबर। इधर की तरफ कौन आ रहा है 80, तो 80 इंटू इसका कितना देगा आपके पास है 10 माइनस एक्स हो गया, पूरे को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां से 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 20 प्लस क्या देगा आपके पास है 2x, और प्लस क्या देगा आपके पास x हो गया है ना बराबर। 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 40 माइनस कितना देगा आपके पास है 4x हो गया। इसके बाद देवदान से इस 20 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो 40 माइनस 20 बराबर कितना देगा आपके पास है 20, 4x इधर की तरफ आ गया तो 2x प्लस x कितना देगा 3x, 3x प्लस 4x कितना देगा आपके पास 7x, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा 20/7 मीटर, ये आपके पास विस्थापन आ गया भी। तो इस प्रकार के इक्वेशन भी जनरली पूछ ले जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना है बेटा। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि जब गोली केविटी के बॉटम पर पहुंचती है तो ब्लॉक का विस्थापन आपको फाइंड आउट करना है। देवदान से ये तो आपके पास में कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर है ना वो एक केविटी बना रखी है, केविटी के से भी अर्ध गोलाकार है, और इसकी जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है आपको कैपिटल आर दे रखी है, कितनी दे रखी है कैपिटल आर, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी गोली है, इस गोली का द्रव्यमान कितना है एम है, इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास है स्मॉल आर है, ठीक है ना, और ये वाली जो सरफेस है वो कैसी भी स्मूथ है, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे ये वाली सरफेस कैसे भी स्मूथ है, तो इस पूरे निकाय पर क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं लग सकता, ठीक है ना, और क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में पूरे निकाय के मतलब निकाय उसके द्रव्यमान केंद्र का क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इस कारण से सिस्टम का सेंट्रोमास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेगा, बट ये जो गोली है वो तो पहले यहाँ पे थी और अब इसके बाद में चल करके यहाँ पे पहुंच गई, बॉटम पे पहुंच गई, यानी इस वाली लाइन पर आ गई भी, तो गोली तो इधर की तरफ आ रही है, तो गोली अगर इधर की तरफ चलेगी किधर की तरफ राइट की तरफ, तो यहाँ पर ये आपके पास में जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इधर की तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, ताकि सेंट्रोमास है उसकी जो गति उसको कंपनसेट किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो गोली है ये गोली चलती इस प्रकार से यहां से चल करके कहां पे पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद में यहां पे पहुंच जाती है, यहां पे पहुंच गई, तो ये तो इस प्रकार से इधर की तरफ चली, तो इसका विस्थापन इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा x। अब गोली का mx और ब्लॉक का जो mx इसको अपने को क्या करना है अभी बराबर करना है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोली, तो गोली का पहले जो सेंट्रोमास वो कहां पे था, इस लाइन पे था यहाँ पे, और अब इस गोली का जो सेंट्रोमास है वो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं यहाँ से लेकर कि यहाँ से की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी कैपिटल आर, और इसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितना देगी स्मॉल आर हो जाएगी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कैपिटल आर माइनस क्या देगा आपके पास स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, अब ये जो गोली है मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मान के चलिएगा ये x डायरेक्शन है और ये आपके पास में कौन सी y डायरेक्शन है, तो अपन बात करते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना देगा आपके पास है जीरो, इस कारण से ध्यान से देखना है तो सेंट्रोमास का जो डेल्टा एक्स ही है वो भी कितना देगा आपके पास है जीरो देगा, यानी सेंट्रोमास है वो x दिशा में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं रखेगा। अब ये जो गोली है वो गोली यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई, तो गोली का द्रव्यमान कितना देगा m, और इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है कैपिटल आर माइनस क्या देगा आपके पास स्मॉल आर बराबर। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 4m, और इसका विस्थापन पीछे की तरफ कितना देगा x देगा, तो यहाँ से m से अपन क्या करेंगे m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास में कितना देगा अभी x, तो x बराबर कितना देगा x बराबर r माइनस r बटे क्या देगा आपके पास में 4,
कि एक्स आ गया। चलो इसी प्रकार से अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से ब्लॉक इसको यहां से अपन क्या करते हैं रिलीज करते हैं, जब ये इस वेज के बॉटम पर पहुंचता है तो आपको क्या करना है अभी इस वेज का विस्थापन पता करना है अभी। तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, तो सेंटर मास है उसका जो एक्स डायरेक्शन में विस्थापन है वो भी कितना देगा, जीरो देगा। तो अपन बात करते हैं इसका द्रव्यमान कितना देगा एम, और एक्स डायरेक्शन में इसका विस्थापन कितना देगा भाई, यहां से ये कहां पर पहुंच रहा है अभी, यहां तक पहुंच रहा है, यहां से यहां तक, तो ये आपके पास एल हो गया। तो इसका ये वाला एक्स कंपोनेंट कितना देगा आपके पास एल कॉस थीटा, तो एम इंटू कितना देगा आपके पास एल कॉस थीटा बराबर, इसके बाद इसका पीछे की तरफ विस्थापन कितना देगा एक्स बराबर फाइव एम इंटू क्या देगा एक्स हो देगा। तो एम से अपन क्या करेंगे एम को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास एक्स बराबर कितना देगा एल कॉस थीटा बटे पाँच, ये बात हो गई भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर रहना बेटा, ठीक है। चलो भाई इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में कोई भी एक पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m मान लो, अब इसको u बराबर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है क्षैतिज के साथ में थीटा बराबर 37 डिग्री के कोण पे, 37 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। अब आपको यह बोला जा रहा है कि उच्चतम बिंदु पर यह है दो समान भागों में विभक्त हो जाता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये क्या होता है दो समान भागों में विभक्त हो जाता है, जो आपके पास एक भाग है वो विरामावस्था में आ जाता है तो दूसरा भाग कहां गिरेगा, तो आपको बोला जा रहा है दूसरा भाग कहां गिरेगा। अब देखो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान के चलिएगा ये जो पिंड है ये पिंड विभक्त होता ही नहीं है, तो पिंड विभक्त नहीं होगा तो ये परवलयाकार पथ को ट्रेस करता हुआ अल्टीमेटली ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक करेगा किसी बिंदु पे, और जहां पर ये पिंड जाकर के धरातल से टकराएगा वहीं पे इसका सेंटर मास है वो भी धरातल से टकराएगा भी, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट होगा जहां पे इसका सेंटर मास है वो जाकर के स्ट्राइक करेगा, तो इसका मैं देखो ध्यान से डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा हो जाएगा कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसके बाद में यहां से अपन इसको फेंका है, और यहां से अगर अपन इसको फेंका है ना तो इस स्थिति में ये यूं गति करता हुआ अल्टीमेटली यहां पर जाकर के गिरता है भी, ठीक है ना, यहां पर जाकर के गिरता है, यानी इसका सेंटर मास वो इस पथ पर गति करेगा। अब आपको ये बोला जा रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये ब्लास्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में दो भागों में, जो एक भाग है वो तो क्या करता है भी विरामावस्था में आ जाता है यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो विभाजन हो रहा है वो आंतरिक बल की वजह से हो रहा है कि बाह्य बल की वजह से हो रहा है, ऑब्वियसली आंतरिक बल की वजह से, क्योंकि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई पहुंचा तो है नहीं, बाहर से तो कोई फैक्टर आया नहीं है जो इस पर फोर्स अप्लाई कर सके, तो बाहर से इस पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लग रहा है अभी, बल तो लग रहा है, बल तो एम जी तो लग ही रहा है, तो एम जी तो स्प्लिट हो भाई, ये विभक्त हो चाहे विभक्त नहीं हो नीचे की तरफ एम जी वो तो लग ही रहा है, और एम जी लग रहा है तभी तो ये यहाँ से यहाँ पे गति कर रहा है, नहीं तो सीधा यूं भाग जाता ये, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब इस पे बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स मैंने लगाया क्या, नहीं, आंतरिक बलों की वजह से यहाँ पे इसके अंदर विभाजन हो रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स अगर नहीं लग रहा तो इस स्थिति में सेंटर मास जिस पथ पर गति कर रहा था ना उसी पथ पर गति करता रहेगा। तो याद रखना भाई अगर किसी भी निकाय पर यदि किसी भी निकाय पर बाहर से कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया जाए तो इस स्थिति में निकाय का द्रव्यमान के अंदर उसी पथ पर गति करता रहेगा जिस पर इसको गति करनी चाहिए थी, ठीक है ना।
तो अपन देखते हैं ध्यान से, यहां पे इसका जो यूवक्स है, इसका जो यूवक्स है वो तो कितना देगा आपके पास में, यू कॉस थीटा 4,000 देगा, और यू वाई बराबर कितना देगा आपके पास में, यू साइन थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में, 30 हो देगा। तो यूवक्स कितना देगा 40, और यू वाई कितना देगा आपके पास में, 30 हो देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी रेंज, तो बोलो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आर बराबर कितना होता है आपके पास है, 2 इंटू यू एक्स यू वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है, जी, ठीक है ना। ये आपके पास है 2, यू एक्स कितना देगा आपके पास है 40, यू वाई कितना देगा 30, अपॉन जी कितना देगा आपके पास है 10, तो कितना देगा आपके पास है 240 मीटर आ रहा है कि देखो देखें, बिल्कुल ठीक है, तो 240 मीटर हो गया अभी। यानी ये जो पिंड है वो कहां पर जाकर के टकराएगा, 240 मीटर पर जाकर के टकराएगा, ठीक है ना। अब मान के चलेगा ये स्प्लिट हो जाता है, तो इस स्थिति में इसका ये पथ तो रहेगा नहीं, ये तो सेंट्रोमास का पथ रहेगा, द्रव्यमान के अंदर तो अल्टीमेटली इसी पथ पर गति करेगा। तो इसका जो एक भाग है वो तो कहां पर जाकर के गिरेगा भाई, बिल्कुल यहां पर जाकर के गिरेगा, ठीक है ना। तो आधा तो यहां पे होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम बाई, सेंट्रोमास को आपको यहीं पे रखना है भाई, सेंट्रोमास को, तो आधा वो कहां पर जाकर के गिरेगा भाई, यहां पर जाकर के। तो यहां पे जो गिरने वाला है इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास m/2 देगा। अब सेंट्रोमास आपके पास ये हो गया, ये टोटल कितना 240, तो ये कितना देगा आपके पास 120, 120 हो गया। तो यहां पे इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एल बोलेंगे या आर बोलेंगे, चलो आर बोल दिया अपन इसको, ठीक है ना। ये बात होगी, मैंने आपको बता रखा है कि सेंट्रोमास उसके अबाउट m1x1 बराबर m2x2 होता है, तो m1 कितना देगा आपके पास m/2, ठीक है ना, और x1 कितना देगा x 120, m2 कितना देगा m/2, और ये कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। तो यहां से r बराबर भी कितना देगा आपके पास 120 मीटर देगा, कितना देगा 120 मीटर। अब दूसरे वाला पिंड कहां से कहां पर जाकर के गिरेगा, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी 240, और प्लस कितना देगा आर हो जाएगा, तो आर कितना देगा 120 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना देगी आपके पास में दूसरे वाले की x2 बराबर कितना देगा 120 प्लस 240 बराबर कितना देगा आपके पास है 360 मीटर देगा अभी, ये चीज हो गई। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर से अपन ने कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो इस स्थिति में सेंट्रोमास जिस पथ पर गति कर रहा था ना उसी पथ पर गति करता रहेगा। देखो विभाजन के बाद में दूसरा पिंड है वो यहाँ पे इस पथ के अनुदिश गति करता है, पहला पिंड, और दूसरा पिंड है वो इस प्रकार से यहाँ से इस पथ के अनुदिश गति करता है, बट सेंट्रोमास इसका पथ तो ये रहता है अभी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा मैंने किसी भी पिंड को इस प्रकार से यूं फेंका धरातल से, किसी भी गेंद को मैंने यहां से यूं फेंका, ये गेंद हो गई, इस गेंद को मैंने इस प्रकार से यूं फेंका, ये गेंद इस प्रकार से यूं इस पथ के अनुदिश गति करती हुई अल्टीमेटली यहां पर जाकर के टकराती भी, ठीक है ना। अब मान के इसलिए यहां पर पहुंचती है ना, ये कई सारे भागों में विभक्त हो जाती है, कई सारे पिंड बन जाएंगे इसके, कई सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो कुछ तो इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ, यहां पे इसके अंदर ब्लास्ट हो चुका है अभी। अब ब्लास्ट की वजह से चाहिए 1,000 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, बट फिर भी इसका जो सेंट्रोमास है उसका पथ तो इसके अनुदिश ही होगा, धरातल पे कोई कहीं पर जाके गिरेगा, कोई कहीं पर जाके गिरेगा, बट सेंट्रोमास वो तो अल्टीमेटली कहां पर जाके स्ट्राइक करेगा, यहीं पर जाके स्ट्राइक करेगा। ये मैं आपको बात समझाने वाला था, तो इसको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में लास्ट टॉपिक अपन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केवीटी प्रॉब्लम्स। तो क्या होता है केवीटी प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, केवीटी प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से क्या है, यह है कि जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई भी एक चकती है, ये कोई भी अपने पास एक डिस्क है चकती, ठीक है ना,
द्रव्यमान कितना भी m, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी r, तो चकती कैसे भी सिमेट्री के सममित है, तो इस स्थिति में इसका सेंटर मास वो कहां पे हो जाएगा, भी यहां पे हो जाएगा, द्रव्यमान के अंदर कहां पे हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा, ये ओ हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इससे कुछ भाग है वो काट करके निकाल देता हूं, और काटा जाने वाला जो भाग है वो कैसा हो जाएगा, भी काटा जाने वाला भाग हो जाएगा चकती नुमा हो जाएगा, बट इसकी जो त्रिज्या वो कितनी होनी चाहिए, आर बाई टू होनी चाहिए। तो मैंने इसमें से क्या कर दिया, इस प्रकार से ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग काट करके मैंने बाहर कर दिया, देखो ये वाला भाग काट करके मैंने बाहर कर दिया, ये भाग ये मैंने कट कर दिया बेटा, ठीक है ना, तो ये आपके पास है शेष भाग हो गया, ठीक है, ये शेष भाग हो गया और ये काटा गया भाग हो गया, और काटे गए भाग की जो त्रिज्या है वो कितने देगा आपके पास में, आर बाई टू, ये बात हो गई। तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो शेष भाग है इसका सेंट्रो मास कहां पे होगा, बचा हुआ पार्ट जिसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का सेंट्रो मास वो कहां पे होगा आपको ये पूछा जा रहा है अभी। चलो अपन करते हैं, कैसे करते हैं देवदान से, सबसे पहले ये जो चक्ती है, इस शक्ति की चक्ती का क्षेत्रफल कितना देगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, एम, तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास है जो काटा गया भाग है, इस काटे गए भाग का एरिया कितना देगा, पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई फोर है, इसका द्रव्यमान कितना देगा बताओ, एम डेस, तो एम डेस बराबर कितना देगा, एम बटे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को काट देंगे तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, अभी एम डेस बराबर क्या देगा आपके पास, एम बटे चार, तो ये तो देगा आपके पास है काटे गए भाग का मास, और यदि आपको शेष भाग का मास निकालना है तो शेष भाग का मास कितना हो जाएगा, एम, इसमें से एम बाई फोर को आपने काट करके साइड कर दिया, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, थ्री एम बाई फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री एम बाई फोर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपने इधर से राइट हैंड साइड से आपने मास को डिडक्ट कर लिया है, बाहर कर दिया है, तो इस स्थिति में इसका सेंट्रो मास है वो इधर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ ज्यादा द्रव्यमान हो गया, अब तो ज्यादा द्रव्यमान की तरफ सेंट्रो मास वो शिफ्ट हो जाता है, तो शेष पार्ट है इसका सेंट्रो मास है वो कहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से ओडेस पर आ जाएगा, ये आपके पास है बचे हुए भाग का द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा, तो ये तो इस प्रकार से इस लाइन पे ये ओ की लाइन होगी और ये इसकी लाइन होगी, यहां पर मैं इस प्रकार से एक लाइन बना देता हूं भाई, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, ये आपके पास जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना भी, m बाई फोर, तो ये काटा गया भाग हो गया तो इसका सेंट्रो मास कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, m बाई फोर, और जो शेष भाग है तो शेष भाग का सेंट्रो मास आपको मालूम करना है, तो शेष भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, थ्री एम बाई फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री एम बाई फोर, तो शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र यहां पर हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे थ्री एम बाई फोर। पहले ये आपके पास में पॉइंट ओ गया, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली कितने रहेगी आपके पास में, आर बाई टू, ये तो आपके पास आर बाई टू हो गया, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, आर बाई टू, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। भाई आपको यही तो पूछा जा रहा है कि शेष भाग का सेंट्रो मास वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है आपको। अब ये आपके पास में देवदान से मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि ये जो चकती है वो दो भागों से मिलकर के बनती है, एक तो काटा जाने वाला भाग और एक शेष भाग। काटे जाने वाले भाग का द्रव्यमान कितना देगा, एम वन बराबर एम बाई फोर, और शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा, एम टू बराबर थ्री एम बाई फोर। इसका एक्स वन और इसका एक्स टू वो अपने पास में है, तो एम वन एक्स वन बराबर एम टू एक्स टू कर दो, तो अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, एम वन इसका द्रव्यमान कितना देगा, एम बाई फोर, एक्स वन कितना देगा आपके पास, आर बाई टू, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, थ्री एम बाई फोर,
एक्स टू कितना देगा आपके पास, एक्स देगा। इसके बाद ये आपके पास कितना देगा, एम बाई फोर, ये आपके पास एम बाई फोर। तीन नीचे की तरफ आ जाएगा तो यहां से आपके पास एक्स बराबर कितना देगा, आर बाई सिक्स। यही आपका आंसर हो गया, ये तो चकती होगी। और अगर यही क्वेश्चन अपन किसके लिए डिस्कस करते हैं, अभी गोले के लिए, गोला है जैसे मान के चलिए का ये कोई गोला है और इसमें से ये वाला भाग है वो अपने काट करके इस प्रकार से साइड में कर दिया, ये वाला भाग अपने काट करके साइड में कर दिया भाई। ये आपके पास है शेष भाग हो गया भाई, ध्यान से समझना इसको आप। ये हो गया आपके पास है शेष भाग, ये काटा गया भाग हो गया गोला। द्रव्यमान कितना इसका m और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। और ये जो आपने भाग काट करके निकाला इसकी त्रिज्या कितना देगी, r बाई टू। और शेष भाग है ऑब्वियसली इसका सेंटर मास वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास ओ मान लो, और इसके बाद इसको अपन क्या बोल देंगे, ओ डेस मान लेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये लाइन खींच दी अपन। ये आपके पास है पूरे सिस्टम का सेंटर मास है भाई, इस गोले का द्रव्यमान केंद्र तो यहीं पर होगा। अब अपन बात करते हैं कि इस गोले का पूरा आयतन कितना देगा, चार बटा तीन पाई आर क्यूब। तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब, आयतन का द्रव्यमान कितना देगा, एम। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, एम बटे चार बटे तीन पाई आर क्यूब। आपके पास है जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना देगा, एम डैश बराबर कितना देगा, एम बटे चार बटे तीन पाई आर क्यूब इंटू, ये आपके पास हो जाएगा चार बटे तीन पाई। इसके बाद इसकी रेडियस कितना देगी, आर बाई टू। तो आर बाई टू का क्यूब कितना देगा आपके पास है, आर क्यूब बाई एट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है एम डैश बराबर कितना देगा, एम बटे आठ। ये बात हो गई भी, तो ध्यान से देखना। देखो सुनो भाई, जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना देगा, एम बाई एट। तो यहां पर तो लिख देंगे अपन एम बाई एट, क्योंकि काटे गए भाग का सेंटर मास यहां पर होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास, आर बाई टू। ये वाली डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, एक्स। और इसके बाद में टोटल द्रव्यमान कितना, एम है, इसमें से एम बाई एट तो आपने काट दिया, तो शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा, सेवन एम बाई एट। तो इसको अपन लिख देंगे सेवन एम बाई एट। तो लिख दो एम वन एक्स वन बराबर एम टू एक्स टू। तो एम वन कितना देगा आपके पास, एम बाई एट इंटू कितना देगा आपके पास, आर बाई टू। एम टू कितना देगा आपके पास है, सेवन एम बाई एट। एक्स टू कितना देगा आपके पास, एक्स एम बाई एट से एम बाई एट को काट देंगे। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना देगा आपके पास, आर बटे चौदह। तो एक्स बराबर कितना देगा आपके पास, आर बटे चौदह देगा अभी। ये बात हो गई। तो ये दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है और इन दोनों को आप अच्छे से नोट करें, ठीक है ना। तो नोट करके और फिर उसके बाद में आज का अपना ये जो लेक्चर है वो लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करेंगे। और उसके बाद में अपन जब भी इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन से डाउट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सेंटर मास के जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ भाई, ठीक है ना। सेंटर मास के डाउट्स, यार एक काम करते हैं अपन, ये जो सेंटर मास और इसके कोलिजन, इन दोनों की जो डाउट्स हैं, इन दोनों की जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह पर दे रखे हैं ना, तो अपन एक ही जगह पे एक साथ इनके डाउट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक दो लेक्चर बाद में आपको मैं इसकी क्वेश्चंस है वो टिक कराऊंगा। वैसे मॉड्यूल में से जो भी सेंटर मास से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके डाउट्स है वो आप छांट छांट के सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।